हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम इसके रूल समझेंगे, इसके यूजी समझेंगे और आई होप आपको ये क्लास लगाने के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब है? प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो स्टेट ऑफ एक्शन दैट इज़ रेगुलर इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस कहाँ लगता है? जो एक रेगुलर एक्शन के बारे में बताता है, वर्तमान काल मतलब कहाँ पे लगता है, जो वर्तमान को दर्शाए। इट शोज रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन एंड शेड्यूल्ड एक्शन। तो ये क्या दिखाता है कि जो रिपीटेड एक्शन हो, बार बार होने वाले एक्शन हो, रेगुलर होने वाले एक्शन हो या शेड्यूल्ड एक्शन हो, तो वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। तो इसकी पहचान है, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है लगता है। तो हम इसके कुछ पहचान समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये लगता है। एक्शन हैपनिंग रेगुलरली, जो एक्शन रेगुलर होते हैं उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। जैसे राकेश गोज़ टू स्कूल, राकेश स्कूल जाता है, ये चीज़ रेगुलरली हो रही है तो इसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शोइंग ए हैबिट, एक आदत दर्शाने के लिए। सैम प्रैक्टिसेस हारमोनियम एवरी डे, सैम रोज़ हारमोनियम प्रैक्टिस करता है। शेड्यूल्ड एक्शन, ऐसे एक्शन जो कि शेड्यूल्ड होते हैं। द शॉप ओपन्स एट 9 AM, तो शॉप 9 बजे खुलती है। तो सभी वाक्यों की एक ही खासियत है कि सबके आखिर में ता है, ती है और ते हैं लगता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए भी, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। तो ये कैसे लगता है? इट इज़ यूज विद बेस वर्ब। तो इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ यूज होता है और कई जगह पे एस या ई एस लगता है, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाता है। लेकिन कई जगह पर हम एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो हम समझेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो द सिंपल प्रेजेंट, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस मोस्ट रेगुलर वर्ब यूज द रूट फॉर्म, रूट फॉर्म यूज होती है एक्सेप्ट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो विच एंड्स इन एस। अब और भी वर्ड्स देखेंगे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जिसमें अलग अलग वर्ड्स आते हैं, तो कैसे उसके उसके साथ हमें ई एस लगाना होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने एस या ई एस लगाना है वर्ब की फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही, लेकिन उसके साथ एस या ई एस कई जगहों पे लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, जैसे आई सिंग, सेकंड पर्सन यू सिंग, और थर्ड पर्सन जैसे ही शी इट हो गया तो सिंग्स लगेगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो हम ये थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जिन वाक्यों के एंड में सी एच होता है उसके बाद ई एस लगता है, जैसे वॉच वॉचिज, मिस मिसिज, वॉश वॉशिज, मिक्स मिक्सिज, वज वजिज, हरी हरीज। तो ये देखिए एस एस जहाँ होगा उसके बाद ई एस आ जाएगा। एक कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी भी कई हैं लेकिन मैं मोस्ट टाइम जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे एस एस होगा तो अपने आप ही उसके बाद ई एस आ जाएगा। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद एस या ई एस लगा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड में तो हम नहीं लगा रहे कुछ भी, एस या ई एस नहीं लगा रहे, आप देख ही रहे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगा रहे हैं। तो ये जैसे सी एच आखिर में, ये पहचान लेना आपने, ई एस लग जाएगा। डबल एस है, ई एस लग जाएगा। एस एच है, फिर इसके बाद ई एस लग जाएगा। मिक्स है, जैसे एक्स है तब भी ई एस लग जाएगा। वज के डबल जेड है तब भी ई एस लगेगा। हरी वाई है तो पक्का लगेगा ही लगेगा आई ई एस। तो ये कुछ स्टडी, जैसे वाई है तो लास्ट में आई ई एस पक्का लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने ये समझना है। आगे हम देखते हैं एक और, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो वी राइट। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात की हमने, अब प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं, वी राइट। सेकंड पर्सन प्लूरल यू राइट। थर्ड पर्सन दे राइट। तो जो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके साथ एस ए आई एस नहीं लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई गो, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू गो, थर्ड पर्सन फिर वही बात आ गई कि एस या ई एस लगेगा। तो थोड़ा और आगे देखते हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल फिर वही बात आ गई वी गो, सेकंड पर्सन प्लूरल यू गो, और थर्ड पर्सन प्लूरल
तो जो प्लूरल है, बहुवचन है, उसमें तो आपको कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपका एस या ई एस प्लूरल के साथ तो लगेगा ही नहीं, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा। तो आगे देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एम, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होएगा आई एम, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और नेम के साथ, तो वो तो आपको पता ही है एस आई एस लगेगा। तो आगे हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी आर, सेकंड पर्सन प्लूरल यू आर, थर्ड पर्सन प्लूरल दे आर। तो आपको आई पता है, मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा होगा भी कैसे है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक बात बता दूं कि जैसे आपने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसमें तो एस आई एस नहीं लगेगा, यानी बहुवचन के साथ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ एस आई एस नहीं लगेगा। तो लेकिन थर्ड पर्सन सिंगल है, जो सिंगुलर है, एक वचन है, उसके साथ एस आई एस लगेगा। देखिए, जब हमें इसकी बेसिक प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें कोई, अभी थोड़ा आपको मिक्सअप लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम आगे सेंटेंसी देखेंगे, आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कहाँ एस आई एस लगेगा, कहाँ पे डू और डज लगेगा। तो अभी हमने जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तो बात ही नहीं की, अभी तो हम सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में बात कर रहे थे, यानी साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्यों की बात कर रहे थे, लेकिन हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात ही नहीं की, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे आई बी यू दे, अब इससे आप याद कर लें, अगर आपको उसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि सेकेंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसमें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसको मैं और आसान कर देता हूँ। आपने सिंपल याद रखना है जो पर्सनस हैं, जैसे आई वी यू दे, आई वी यू दे जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाए, तो आपने एस आई एस नहीं लगाना, इतना तो याद रख सकते हैं आप, इतनी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। जहाँ पे आई वी यू दे हो, वहाँ पे आपने एस या ई एस वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं लगाना। वर्ब की फॉर्म तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, तो वो क्लियर हो गई यहाँ पे कि आई वी यू दे होगा, उसके साथ एस आई एस हमने नहीं लगाना है, और नेगेटिव बनाना है तो उसके साथ डू लगा सकते हैं, और इंटेरोगेटिव बनाना है तब भी डू लगा सकते हैं। तो ये इकट्ठा ही मैंने आपको बता दिया कि आई वी यू दे के साथ एस आई एस नहीं लगना है। एक एक सेट याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, चाहे नेगेटिव बना लो, चाहे उसका क्वेश्चन मार्क बना लो। करेंगे हम आगे एक्सरसाइज। आगे है ही शी इट, जहाँ पे भी हो वहाँ पे एस या ई एस लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, चाहे एस लग सकता है या ई एस, एंड डज लगेगा, चाहे क्वेश्चन बना लो चाहे उसको नेगेटिव बना लो। तो ये आपने यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। ये देखिए, मैं आपको एक बड़ी फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, एस या ई एस की बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, कौन कौन से वर्ब्स हैं जहाँ के साथ एस ई एस लगता है और कहाँ पे एस लगता है, इट इज़ वेरी इजी। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट मतलब जो करता है, कार्य करने वाला, हर किसी सेंटेंस में होएगा, क्रिया होएगी उसमें, और उसमें कर्म होएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, तो ये लगेगा। जब नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट लगेगा, डू और डज लगेगा, या तो डू लगेगा या डज लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग होगा। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि आई वी यू दे के साथ डू, और ही शी इट के साथ, नेम के साथ, यानी कोई भी नेम हो उसके साथ डज लगेगा। तो ये हमें एक एक सेंटेंस करके देखेंगे। अब अगर क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को अभी छोड़ते हुए सीधे ही जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, उससे हम कोशिश करेंगे। डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, उसका प्रश्न बनाएंगे, तो उसके बाद में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे अब हम देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बात आ गई वही कि ता है आएगा सबके एंड में। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब हमने इसके साथ, हमने कहा था आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ डू लगता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आई डज नॉट प्ले क्रिकेट तो हो ही नहीं सकता, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इट्स वेरी सिंपल।
चाहे WH वर्ड हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल्स हो, तो जब हम उसको सबसे आगे ले आते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये याद रखेंगे हमेशा, जब हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब हो वो सबसे आगे आ जाए और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाए तो वो क्या बन जाती है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है हमेशा ही। इट्स सबसे आसान का तरीका है क्वेश्चन मार्क बनाने का। उसके बाद वी सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं। डू वी सिंग द सॉन्ग, क्या हम गाना गाते हैं। तो ये देखिए आपने, फिर वही आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ गई। उसके बाद है यू कम लेट, तुम देरी से आते हो। यू डू नॉट कम लेट, तुम देरी से नहीं आते हो। डू यू कम लेट, क्या तुम लेट आते हो। तो आप इस तरह से आगे जो सेंटेंसेज हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। अगला देखेंगे, दे रन फास्ट, दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। दे डू नॉट रन फास्ट, वे तेज नहीं दौड़ते हैं। डू दे रन फास्ट, क्या वे तेज दौड़ते हैं। ही गेट्स अप अर्ली, अब ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसके साथ एस लग गया, गेट गेट्स हो गया। तो ये याद रखना, ही शी इट और नेम के साथ आपने एस या ई एस लगाना है। ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है। ही डज नॉट गेट अप अर्ली, वह जल्दी नहीं उठता है। डज ही गेट अप अर्ली, क्या वह जल्दी उठता है। आगे देखेंगे शी डांसेस, तो हमने डांस तो नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने पता है कि ही शी इट और किसी भी नेम के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। शी डांसेस, वह नृत्य करती है। शी डजंट डांस, वह डांस नहीं करती। डज शी डांस, क्या वह नृत्य करती है। इट वर्क्स, यह काम करता है। कोई मशीन के बारे कह सकते हैं हम। इट डजंट वर्क, यह काम नहीं करती है। डज इट वर्क, क्या यह काम करती है। उसके बाद अगर हम देखें, सुमन गोज फॉर ए वॉक, सुमन वॉक के लिए जाती है। सुमन डजंट गो फॉर वॉक, फॉर अ वॉक, सुमन वॉक के लिए नहीं जाती है। डज सुमन गो फॉर ए वॉक, क्या सुमन वॉक के लिए जाती है। तो ये मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस डिस्कस करने की कोशिश की है। ये बड़ा सिंपल है, जितनी टेंसेस आपके पार्ट पे प्रैक्टिस मांगती है, अगर आप जितनी बार 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 उसको करेंगे और एक बार अगर आपको आ गए, फिर आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लैंग्वेज का बेस ही टेंसेस हैं, क्योंकि टेंस अगर आप करोगे तभी जाकर आपको लैंग्वेज लर्निंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप इससे भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये एक तरह से आधार है लैंग्वेज का, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है टेंसेज के लिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक बार अगर आपको आ गई, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी प्रैक्टिस करने में। तो एक बार जाते जाते फिर रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सबसे पहली बात याद रखेंगे। उसके बाद एस और ई एस का यूज़ होता है, वो मैंने आपको अगर सिंपल शब्दों में शॉर्ट में बता दूँ आपको, तो आई वी यू दे के साथ आप क्या करेंगे, एस और ई एस का यूज़ वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं करेंगे। ही शी इट नेम, जहाँ नज़र आ गया आपने एस या ई एस का यूज़ करना है। ये बेसिक बात आपने याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये किस लिए होती है, आत्यन दर्शाने के लिए, सार्वभौमिक सत्य दर्शाने के लिए, और रेगुलर होने वाले कामों को दर्शाने के लिए। और इसकी पहचान सबसे बड़ी है, ता है, ती है और ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, कोई सुजेशंस हैं, तो आप जो कमेंट्स में अपना ये लिख सकते हैं। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया लेसन लेके। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।